सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार। फतेहगढ़ साहब में इस वक्त मैं हूँ, जो कि सिखों की श्रद्धा और विश्वास का ये प्रतीक है। ये गुरुद्वारा साहब, यह गुरुद्वारा साहब पटियाला के बिल्कुल ही नज़दीक है और यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सिखों के लिए इसका महत्व इस लिहाज से भी ज़्यादा है कि यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटों को सरहिंद के तत्कालीन फौजदार वजीम खार ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को यहाँ दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। यहाँ साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए शहादत का पाठ पढ़ा था, जहाँ मासूम साहिबजादों ने भी माता से शिक्षा लेकर धर्म की खातिर हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर की थी। मासूम साहिबजादों की इस शहादत को दुनिया में सबको हिला कर रख दिया था। छोटे साहिबजादों की यही शहादत आगे चलकर मुगल हुकूमत के पतन का कारण बनी थी। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी इस गुरुद्वारे में दर्शन कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं और इससे पहले वो दरबार साहब, अमृतसर स्थित दरबार साहब यानी जिसे हरमिंदर साहब भी कहते हैं, वहाँ उन्होंने दर्शन किया और वहाँ पर जो वाणी थी वो बहुत महत्वपूर्ण वाणी थी। वो वाणी थी, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा, सब राजन के राजा। तुम हो सब राजन के राजा, महाकाल रखवार हमारो, महालोह मैं किंकर थारो, अपनिया जान करो रखवार, बही गहे की लाज विचार, सब राजन के राजा। सुबह सुबह घोरा बहुत है, शीतलहर भी चल रही है। आप देख सकते हैं गुरुद्वारा साहब, यहाँ अंदर राहुल गांधी जी दर्शन कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से पहले उन्होंने श्री हरमिंदर साहब के अरदास की, भारत जोड़ने की अरदास की, नफरत खत्म और प्यार बांटने की अरदास की। आज इस गुरुद्वारे साहब में भी फतेहगढ़ का ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब, पंजाब का सिखों की जो श्रद्धा और विश्वास की धरती है, वहाँ पर कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी मत्था टेक रहे हैं गुरुद्वारा साहब में। आप तस्वीरें देख सकते हैं सीधे, इसके बाद यात्रा यहाँ से वो शुरू करेंगे। ये एक देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत परंपरा है, श्रद्धा और विश्वास गुरुद्वारा साहब, ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब। आप देख सकते हैं सुबह सुबह की बात और ठंड बहुत ज़्यादा है और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि उन्होंने कहा था, जब वर्णन किया सिख धर्म का, तो उन्होंने कहा कि सुबह उठो, और वही बात इस यात्रा में भी दिखती है। आप वाणी सुन सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी है और आज का हुक्मनामा भी आपको, हुक्मनामा की आज की जो बात है, हुक्मनामा है सिख धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, वो आप देख सकते हैं पंजाबी में लिखा हुआ। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको हम आपसे विदा लेते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार।